हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल पे और आज अपना नया टॉपिक है कैलिब्रेशन ऑफ डिजोलूशन अपरेटस तो आप सभी लोग जानते हैं कि डिजोलूशन अपरेटस क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होता है वो भी डीजो चेक करने के लिए कोई भी फिनिश प्रोडक्ट हो या अनफिनिश प्रोडक्ट हो उसका डिज़ो अगर आपको चेक करना है तो डिजोल्यूशन अपराडाइज यूज़ करते हैं तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये तो ये इसमें किस किस चीज़ का कैलिब्रेशन होता है क्या फ्रिक्वेंसी है क्या प्रोसीजर है ये सभी मैंने इस वीडियो में कवर किया है तो ये सभी चीज़ें समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक रहना होगा ताकि आप पूरी चीज़ें समझ पाओ अगर आप बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप समझ नहीं तो दोस्तों जो मेरे नई भाई हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा के नोटिफिकेशन ले लेना तो शुरू करते हैं तो दोस्तों ये जो कैलिब्रेशन होता है क्वार्टरली होता है वो भी मैकेनिकल कैलिब्रेशन होता है ठीक है तो मैकेनिकल कैलिब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है क्वार्टरली यानी कि आफ्टर एवरी थ्री मंथ ठीक है तो पहला कैलिब्रेशन है दोस्तों कैलिब्रेशन ऑफ़ जो है उसका टेम्परेचर काउंट करने के लिए फर्स्ट कैलिब्रेशन है कैलिब्रेशन ऑफ टेम्परेचर उसमें आपको प्रोसीजर ऐसी है फिल 900 हंड्रेड ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इन द ऑल एट जार्स एंड ऑपरेट द अपेरेटस जो भी जो उसके आठ जार है उसमें आपको नौ सौ एम एल प्योरीफाइड वाटर भर देना है और अपेरेटस को ऑन कर देना है मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर बात एंड ऑफ ईच जार बिथ द कैलिब्रेटर थर्मोमीटर एंड कंपेयर द रिजल्ट अगेंस्ट द डिजिटल डिस्प्ले ऑन द फ्रंट पैनल आपको ये आठ जार जो है उनमें पानी भर दिया आपने उनको ऑन कर देना अपराटिस क्या करेगा उनका टेम्परेचर लिमिट में सेट पॉइंट के हिसाब से लेके आएगा और आपको ये कैलिब्रेटर थर्मोमीटर के यूज़ करके आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है कैलिब्रेटर थर्मोमीटर आपको क्या दिखाएगा वर्सेस आपका जो ये टिस है उसके अगेंस्ट में जो डिस्प्ले है उसमें क्या टेम्परेचर दिखा रहा है ये आपको कंपेरिजन करनी है रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्मेट और उसका फॉर्मेट जो होगा उसमें आपको भर देना है तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है दोस्तों इसका 37 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बीच में वो टेम्परेचर जो आपको कैलिब्रेटर थर्मोमीटर दिखा रहा है वो और जो आपको पैनल पे दिखा रहा है वो इस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर में होना चाहिए इफ द इक्विपमेंट डज नॉट मीट्स द एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिकॉर्ड द यूसेज लॉग एंड पेस्ट द अंडर मेंटेनेंस लेबल और इन्फॉर्म टू द जो भी आपका सर्विस इंजीनियर होगा या इंजीनियरिंग पर्सन होंगे उनको आपको इंटीमेट कर देना है नेक्स्ट आता है दोस्तों कैलिब्रेशन ऑफ टाइम जो टाइम है टाइम का कैलिब्रेशन आप कैसे करोगे वन बाय वन सेट द टाइम एट थर्टी एंड मिनट्स आपको थर्टी मिनट और सिक्सटी मिनट्स टाइम सेट कर देना है साइमल्टेनियसली स्टार्ट द स्टॉप वॉच एंड रिजोल्यूशन एपरेटस तो धीरे धीरे आपको क्या कर देना है स्टॉप वॉच भी स्टार्ट करनी है विद एपरेटस नोट डाउन द टाइमिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टॉप वॉच एज वेल एज द टाइम डिस्प्ले ऑन द इंस्ट्रूमेंट तो आपने जैसे इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया उसी समय आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है बंद कर दिया तो स्टॉप वॉच भी बंद कर देनी है तो so, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्ले टाइम एंड स्टॉप वॉच शुड नॉट बी मोर देन थर्टी सेकंड तो थर्टी सेकेंड से ज़्यादा आपका इंस्ट्रूमेंट और ये आपका स्टॉप वॉच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए थर्टी सेकेंड से ज्यादा नेक्स्ट कैलिब्रेशन है आर कैलिब्रेशन कैलिब्रेट द अपराटस एट फिफ्टी एंड हंड्रेड आर पी एम कंपेयर द आरपीएम शोन ऑन द डिजिटल डिस्प्ले ऑफ द अपराटस विद द आर पी एम मेजर विद द कैलिब्रेटर टैकोमीटर टैकोमीटर इज यूज फॉर टू मेजर द आर पी एम ऑफ एनी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट तो ये टैकोमीटर आपको कैलिब्रेटेड टैकोमीटर लाना है कैलिब्रेटेड टैकोमीटर ला के जो आर पी एम हमने सेट किया है पहले एपरेडस का आर पी एम हमने सेट किया था फिफ्टी फिफ्टी करके आपको टैकोमीटर से उसको चेक करना है टैकोमीटर के ऊपर मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ तो उसकी आ, लिंक मैं यहाँ आई बटन में आपको दे दूँगा तो वो टैकोमीटर का वीडियो आप देख सकते हो तो उसके बाद 50 का आरपीएम होने के बाद 100 का आरपीएम सेट करना है और कैलिब्रेटेड टैकोमीटर से आपको उसके आरपीएम कंपैरिजन करनी है रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्मेट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है प्लस माइनस फोर परसेंट ऑफ द सेट आरपीएम 50 का फोर परसेंट और 100 का फोर परसेंट ठीक है मतलब दो RPM प्लस माइनस होगा ठीक है नेक्स्ट कैलिब्रेशन है दोस्तों ओबलिंग चेक तो ओबलिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत सारे इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि ओबलिंग चेक कैसे करते हैं तो मेक इंस्ट्रूमेंट रेडी फॉर एनालिसिस बाय सेटिंग द शाफ्ट स्पीड एट 50 आरपीएम पी एम अटेज द कैलिब्रेटेड ओबल मीटर टू द रिस्पेक्टिव शाफ्ट सो दैट द नॉब ऑफ द ओबल मीटर टचेज द सर्फेस टू द शाफ्ट हुज उबलिंग इज टू बी मेजर्ड तो आपको क्या करना है जो इंस्ट्रूमेंट है रेडी करना है ठीक है शाफ्ट स्पीड पचास आर सेट कर देनी है अटैच द कैलिब्रेटेड ओबलर मीटर जो शाफ्ट है उसको ओबलर मीटर आता है वो अटैच कर देना है और ये केयर करनी है कि ओबल मीटर टचेस टू द सरफेस टू द शाफ्ट हुज ओब्लिंग इज टू बी मेजर्ड तो जो शाफ्ट है वहाँ आपको ओबल मीटर टच करना है ताकि आप वो उस मेड उसकी उबलिंग चेक कर सके रोटेड रोटेट द डायल सो दैट द को इन कोइन साइड द नीडल एंड द डायल रीडिंग टू जीरो तो आपको इसको रोटेट करना है ताकि वो कोइन साइड नीडल के साथ हो सके और डायल रीडिंग होती है जीरो इंश्योर दूबल मीटर इज प्रॉपरली पोजिशन विद द हेल्प ऑफ ओबल मीटर पॉइंट और पोजिशन अगेंस्ट द पैडल शाप और द बॉटम रिम ऑफ द बास्केट स्टार्ट द आर पी एम एंड नोट डाउन द रीडिंग वन कंप्लीट रोटेशन फ्रॉम जीरो टू जीरो क्लॉक वाइज ऑफ द नीडल इंडिकेट वन एम एम आप जब पूरा रोटेट थ्री सिक्सटी डिग्री का करोगे तो वो वन एम एम इंडिकेट करेगा रिकॉर्ड द शार्फ्ट उबलिंग रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर रिमेनिंग शाफ्ट ये हमने अभी एक शाफ्ट के लिए किया बाकी जो रिमेनिंग शाफ्ट है उनके लिए भी हमको सेम प्रोसीजर करनी है रिकॉर्ड द रीडिंग इन द फिजिकल कैलिब्रेशन रिकॉर्ड इंश्योर दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट उबलिंग इन द शाफ्ट चेक द उबलिंग ऑफ द शाफ्ट विद द पैडल एंड बास्केट यूजिंग द उबल मीटर तो बास्केट भी यूज करते हैं पैडल भी यूज करते हैं तो दोनों में आपको ओबल मीटर यूज करके उबलिंग चेक करनी है इंश्योर दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट उबलिंग इन द शैप और इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है पैडल के लिए नॉट मोर देन प्लस वन एम एम बास्केट के लिए है नॉट मोर देन प्लस वन एम एम ईव इक्विपमेंट डज नॉट मिस द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पुट द अंडर मेंटेनेंस लेबल इन्फॉर्म टू द कंसर्न सर्विसिंग इंजीनियर या कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिस्टेंस चेक द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ अ बास्केट पैडल इनर जार सेंटर यूजिंग द डेप्थ गेज टेस्टर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है मतलब कि दोस्तों आपको अगर डिस्टेंस मतलब जो अपराटस है जो पैडल और अपराटस का बॉटम या बास्केट है उससे और बॉटम का इनर जार का अगर आपको डिस्टेंस काउंट करना है तो डेप्थ गेज यूज़ करना है और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 25 फाइव mm प्लस माइनस 2 एम mm. जार सेंटरिंग ठीक है जार सेंटरिंग में परफॉर्म द कैलिब्रेशन यूजिंग वर्नियर कैलीपर लोअर डाउन द पैडल और बास्केट बास्केट है तो लोअर करना है पैडल है तो लोअर करना है मेजर द सेस फ्रॉम द शाप टू द इनर वेसल वॉल एट फोर लोकेशंस इक्वली स्पेस अराउंड द वेसल द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व रीडिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2.0 पॉइंट जीरो एम एम फॉर थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेशन जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या करना है आपको लोअर डाउन द पैडल और बास्केट बास्केट है तो लोअर डाउन करना है पैडल है तो लोअर करना है मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट जो पैडल का या बास्केट का शाफ्ट है टू द इनर वेसल वॉल मतलब आपको जो शाफ्ट से है शाफ्ट से जो बाहर का एक्रैलिक रहेगा उसका डिस्टेंस काउंट करना है चारों साइड में एट वॉल एट फोर लोकेशंस इक्वली स्पेस अराउंड द वेसल The difference between the largest and smallest observed reading should not be greater than आपको ये 360 डिग्री में वर्नियर कैलीपर हो या मेजरिंग टेप हो उससे आपको एक काउंट करना है 360 डिग्री में रोटेट करना है और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी वो होनी चाहिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 एम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 mm एम थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों करते रहो इंटरव्यू की हैश इंटरव्यू की तैयारी वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ तब तक जय हिंद जय जह भारत